जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं ना, मेरे को धक 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 फील हो रही है भाई। चाय आई है पूरी इंडियन वाले, वो जो ग्लासेस भी होते थे मसाला चाय। तो ये पहुंच चुके हैं हम एप्पल सेंटर, रेडी हो आप? उसके बाद आपको अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है और एक सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो फाइनली आईकेआ पहुंच चुके हैं। ये देखो यहाँ लिखा है कंप्लीट लिविंग रूम अंडर 900 pounds। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो लिंक्डइन। मैं हूं गौरव और आज हम लोग जा रहे हैं, फाइनली वो दिन आ गया, मतलब इंडियन पासपोर्ट जो है वो अब सरेंडर करना पड़ेगा अभी को, क्योंकि उसने ब्रिटिश सिटीजनशिप यहाँ की ले ली है। जैसा कि आपने पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा, अभी को ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल चुका है यहाँ पर। तो आज अपॉइंटमेंट ली थी हमने, हमें बर्मिंघम जाना है और थोड़ी सी डिफरेंट फीलिंग है, इट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग, थोड़ी इमोशनल सी फीलिंग है। तो इंडियन पासपोर्ट आज अभी को सरेंडर करना पड़ेगा और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे रेडी है, आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लग जाता है उसको आने में और क्या पूरा प्रोसीजर है। तो इस व्लॉग में आज हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं, तो चले फिर। हाँ चलो, अभी तक भी ना मुझे हिट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट अभी तक भी मेरे पास था और आज ऐसे लग रहा है कि यार वापस देना पड़ेगा। हाँ। और काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी जिसके बारे में हमने रिसर्च किया और आज सुबह मैंने सारे प्रिंट आउट्स भी निकाले और बस शेयर करेंगे कि इसकी भी एक कॉस्ट है सरेंडर करने के भी, और धीरे धीरे आगे वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से, लेट्स गो। जो बर्मिंघम वाला पासपोर्ट कॉन्सुलेट है वो स्मेदिक के अंदर है, ये स्मेदिक वाला मेन गुरुद्वारा है और आई थिंक इसके बिल्कुल पास ही है, एक मिनट दूर है हम लोग अभी, और मैं जाऊंगी अपनी अपॉइंटमेंट के लिए और गौरव करेगा मेरा वेट। पार्किंग ढूंढूंगा यहाँ पे ना, पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो देखते हैं कहाँ मिलती है पार्किंग और आपसे डिस्कस करते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कि कैसे ये जो है सरेंडर करना होता है पासपोर्ट, क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व है। और यार मेरे को ना पता नहीं क्यों, जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं ना, मेरे को धक 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 फील हो रही है। यार बहुत बड़ी चीज है ये, एक आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होता है जो पासपोर्ट होता है ना। मेरा जो सबसे पहला पासपोर्ट था वो 2007 में बना था, तो 2007 से लेके अब तक मेरे पास इंडियन पासपोर्ट रहा है एंड इट्स सच अ बिग थिंग टू सरेंडर इट, और मेरे बटरफ्लाईज हो रही है, बट क्या करें यार, इट्स इलीगल, मैं ये पासपोर्ट नहीं रख सकती ना यूज कर सकती हूँ। तो अब जाते हैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए और देखते हैं क्या होता है। ओके, अब थोड़ा प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आपको यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, जब भी आप यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपको अपना इंडियन पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करना पड़ता है और एक सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये एक ऑफेंस होता है, तो आपको करना ही पड़ता है। मतलब 3 months की वैलिडिटी होती है, 3 months के अंदर आप अपना जो इंडियन पासपोर्ट है वो यूज कर सकते हो अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं आया है। अगर ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया है तो आप इंडियन पासपोर्ट अपना यूज नहीं कर सकते और आपको ये सबमिट करके सरेंडर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि आज अभी करने आई है यहाँ पर। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, 3 steps में होता है। सबसे पहला स्टेप है आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर जाके। ये जो लिंक्स है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है और पूरा स्टेप्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। वो कहां करनी होती है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, वहां पर जाके। जैसे अपॉइंटमेंट जो है आप लंदन, बर्मिंघम और एडिनबरा, 3 जगह में से कहीं पर भी कर सकते हो। तो हमने बर्मिंघम में करी थी, तो बर्मिंघम में अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम लोग यहां पे आए हैं आज और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं आपको। अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। पहला जो है प्रिंटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, VFS अपॉइंटमेंट कॉन्फर्मेशन, असाइंड कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म, 2 recent 50x50 mm की जो फोटोग्राफ होती है वो होनी चाहिए, ओरिजिनल लास्ट हेल्ड इंडियन पासपोर्ट, अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट, ओरिजिनल ब्रिटिश पासपोर्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ करंट ब्रिटिश पासपोर्ट, ब्रिटिश नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, A4 साइज सेल्फ एड्रेस एनवेलप इफ यू सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन टुगेदर। बेसिकली ये लास्ट वाला जो है ये जरूरी नहीं है कि आपके पास होना जरूरी है, वो ऐसे भी हो जाता है। तो ये बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको लगेंगे इस प्रोसेस में। तो भाई अभी आ चुकी है, हो गए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट। बहुत इजी था यार प्रोसेस, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा, काफी ऑर्गेनाइज था, बट टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। मतलब 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी, आप 12:45 पहुंच गए थे। अपॉइंटमेंट नहीं है, बस 1 बजे ये है कि आपको यहाँ पहुंचना है, आप अगर उससे पहले भी आ सकते हो ऐसा। अच्छा। हाँ टोकन सिस्टम है, आप जाओ, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके आपको एक टोकन दे देंगे। हाँ। फिर वो टोकन की वेट करनी है, तो उस वेट में मेरे को कम से कम नहीं तो डेढ़ घंटा लग गया। तो फाइनली हो गया सारे सबमिट। सब हो गया, बहुत इजी था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी थे, सब। हाँ। कुछ साइन था, मैंने फोटो भी चिपकाई हुई थी, तो कुछ एक्स्ट्रा उनको काम करना ही नहीं पड़ा। और पैसे कितने लगे यहाँ पर? पैसे लगे 95 pounds एंड
20 पेंस. ओके ओके, तो 95 पाउंड आपके लगे हैं. हाँ, मोटा मोटा 95 पाउंड लगे हैं. वहाँ पे ना सिर्फ कार्ड सर्विस है. ओके. वहाँ पे उन्होंने बाहर लिखा हुआ है नो कैश. अच्छा, तो कार्ड से पे करना है वहाँ पे. और ठीक था यार, अच्छा था, अंदर काफी ऑर्गेनाइज था. बट टाइम आपको ये नहीं है कि 15 मिनट की अपॉइंटमेंट है तो 15 मिनट में काम हो जाएगा, आपको वेट करनी पड़ेगी अपनी बारी के लिए. ओके, चलो अब हम चलते हैं बर्मिंघम सिटी सेंटर, हमें एप्पल स्टोर पे. मैं रिग्रेट कर रही थी, गौरव ने मुझे एयरपॉड्स दिए बर्थडे पे, मैं एयरपॉड्स घर पे ही भूल गई. हाँ. यहाँ पे होते ना मैं कुछ देख लेती या टाइम पास हो जाता. हाँ, अभी हम लोगों को जाना है एप्पल स्टोर. अभी का जो फोन है ये iPhone 13 Pro, ये जो है मतलब बहुत ही, कैमरा ना फ्रीज होता रहता है कभी. हाँ. भी हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, कैमरा फ्रीज हो जाता है बीच में. हाँ. वीडियो अपने आप, तो ये दिखाना है एक बार. ये आई थिंक नॉन प्रॉब्लम है, तो पहले एप्पल स्टोर चलते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं वहाँ पे जाके. लेट्स गो. तो ये पहुंच चुके हैं हम एप्पल सेंटर. रेडी हो आप? देख, ये मनमीत है. तो देखते हैं अभी ये हमारा फोन चेंज करते हैं नहीं करते हैं. तो ये बर्मिंघम का एप्पल स्टोर है, यहाँ हमेशा ही भीड़ रहती है ना. हमारा नियरेस्ट एप्पल स्टोर भी यही है, हमें वेट. हाँ. करना पड़ता है बर्मिंघम के लिए. अभी देखते हैं वो क्या करते हैं इस फोन का. सो अभी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर कुछ. एप्पल स्टोर ने फोन जो है अभी का वो जब्त कर लिया है. वो बोल रहे हैं कि मतलब उसका जो फिजिकल कैमरा का जो डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस, वो रिप्लेस करेंगे. उन्होंने कुछ टेस्टिंग वगैरह करी है, तो उन्होंने बोला 3-4 घंटे बाद आके हमसे फोन ले जाओ. अब हमें देखना कि हमें क्या करना है, 3-4 घंटे क्या करना है, और फिर मैं बिना फोन के कैसे रहूंगी. तो बेसिकली ये अच्छी बात है कि यार उन्होंने वो ठीक करा, क्योंकि आउट ऑफ वारंटी है, 4 दिन पहले वारंटी से मतलब एक्सपायर्ड हो गई है उसकी. लेकिन हमने उससे पहले ही जो है एप्पल केयर को कॉन्टेक्ट कर दिया था. तो इसलिए वो लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज 200 पाउंड का 200 पाउंड देने पड़ते हैं हमें. वो सामने ट्रैम जा रही है, बर्मिंघम में ना ट्रैम्स बहुत चलती है, तो ये ट्रैम की पूरी पटरी है वो ही सामने. हाँ, यहीं पर ही लगती है जर्मन मार्केट. अभी हम लोग जा रहे हैं डिशुम रेस्टोरेंट, है ना. हाँ. डिशुम बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है. लड़के का बर्थडे मिस हो गया था, मेरे भाई ने गौरव का बर्थडे और मेरा बर्थडे मिस किया, तो इसको पार्टी दे दे जरा. हाँ, चलो ये वाला एरिया सबसे बेस्ट है बर्मिंघम का, जो सेंट्रल है. ये ट्रैम बेटा इधर हो जाओ, ट्रैम की पटरी पे चल रहे हो. तो वो रहा सामने डिशुम रेस्टोरेंट, अभी वहाँ जाते हैं, थोड़ी पाव भाजी कुछ वेजिटेरियन खाते हैं, आज नवरात्रि चल रहे हैं. लग रहा है पूरा दिल्ली वाला कैफे, ऊपर पंखे भी चल रहे हैं. दिल्ली वाले नहीं, मुझे पता कैसे लग रहा है. हाँ. मुंबई में एक वो है पुराना पारसी कैफे टाइप. हाँ. पारसी कैफे टाइप वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना. चलो ऑर्डर करते हैं यहाँ पे ना, बड़ी मस्त मस्त वेजिटेरियन कुछ पाव भाजी टाइप मन कर रहा है खाने का. भाई चाय आई है पूरी इंडियन वाले, वो जो ग्लासेस भी होते थे मसाला चाय. बहुत बढ़िया लग रही है. फ्रेश ऑरेंज जूस और बहुत अच्छा. अच्छा है. और तूने क्या मंगवाया? फ्रेश लेमन सोडा. लेमन सोडा, वाह. बंटाई होने आते थे. चीयर्स करें. चीयर्स. तो डिशुम से हम बाहर आ चुके हैं, और क्या खाना था यार, बहुत अच्छा खाना था. चुम्बेश्वरी खाना, मतलब वहाँ पे ना बॉटमलेस चाय थी, तो 5 बजे तक होती है, 5 बजे तक. हाँ, तो 3 चाय ऑर्डर करी हमने, और एक तो 1.5 तो भाई यही चाय पी गई. एक चाय पी. हाँ, वैसे ही पीती नहीं है, बट आज उसने चाय पी ली बहुत सारी. और वड़ा पाव और पाव भाजी, वाह. और चाट. हाँ, हमने ना हाउस चाट है यहाँ पे, वो मंगवाई थी. इंडिया में जैसे आलू चाट होती है ना. हाँ. यहाँ पे स्वीट पोटेटो की चाट थी, एंड इट वाज अमेजिंग, बहुत टेस्टी. तो जरूर आना अगर डिशुम आपका चक्कर लगे बर्मिंघम या लंदन कहीं पर भी, तो कोविंड गार्डन में भी है लंदन में, और डिशुम रेस्टोरेंट का नाम है, डेफिनेटली मस्ट विजिट. बट हमें बर्मिंघम वाला बहुत अच्छा लगा, बढ़िया था. फोन फाइनली मिल गया. हाँ. और इन्होंने मतलब अंदर का जो हार्डवेयर होता है ना कैमरा, वो चेंज कर दिया. अब देखते हैं कोई इशू ना आए. क्या फर्क पड़ता है. हाँ. वो ना वीडियो बनाते बनाते फ्रीज हो जाता था. हाँ. अभी हम लोग बार बार रीशूट करना पड़ता था. हाँ. बस अभी हम लोग निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं आइकिया, वहाँ से थोड़ा सामान लेना है. और यहाँ का आइकिया रात के 10 बजे तक खुला है, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई शॉप जो 10 बजे तक खुली रहती है. चलो फिर चले. तो फाइनली आइकिया पहुँच चुके हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है हमने, फिर अपना निकलेंगे घर की तरफ. ठंड कितनी हो गई आजकल, है ना. मेरे को तो अंदर घुसने से पहले ही
टांगों में दर्द शुरू हो गया। ये ना आई का ऐसा स्टोर है, आप एक जगह से एंट्रेंस करते हो और पूरा घूम घूम के फिर एग्जिट होता है, बीच में से नहीं निकल सकते। हाँ। तो इसलिए आज पूरा घूमना पड़ेगा। चलो आज आपको इवनिंग वॉक कराते हैं। सनसेट हो रहा है वहाँ पर। वैसे ही आज मेरे काफी स्टेप्स हो गए हैं। अच्छा ये देखो कितना अच्छा इन्होंने ना पूरा सेटअप बना रखा है। यहाँ पर लेदर सोफाज रखे हुए हैं, कितने सही लग रहे हैं। कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला, बहुत अच्छा लगता है। टैन सोफा, टैन सोफा ना डिसाइड किया हुआ है, नेक्स्ट घर में मुझे ऐसा टैन इस, सोफा ऐसा टैन सोफा, मतलब इसका हम इसके हमने चेयर भी ली हुई है, डाइनिंग चेयर हमारी ऐसी कुछ कलर की है। और ये पूरा सेटअप देखो, साथ में लिविंग रूम का बना रखा है, किचन और डाइनिंग टेबल और यहाँ पे लिविंग रूम। ओपन प्लान आजकल डिजाइन यही चल रहे हैं, तो अच्छा बना रखा है। यहाँ पे आके ना एक आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है कि आपको अगर एक रूम सेटअप करना है तो आप कैसे कर सकते हो। हाँ। और सारी चीजें मिला के वो रूम कैसा दिखने वाला है। हाँ। तो यही तो ये बिजनेस मॉडल आईकिया का यही है कि सब कुछ आपको पड़ा पड़ाया मिल जाए और आप बस उसको अपने घर में सीधा डिजाइन कर लो। और मेरे को एक और स्ट्रेटजी इनकी बहुत अच्छी लगती है कि जब भी जो भी चीजें आती है ना वो फ्लैट पैक आती है। हाँ। जब फ्लैट पैक आती है और आप अपने हाथों से बनाते हो ना तो उसकी मार्केटिंग हाँ। अपने आप होती रहती है। कोई भी घर आता है, हम लोगों ने आईकिया से लिया है, कोई भी घर आता है हम बोलते हैं ये हमने बनाया था, ये हमने आईकिया से खुद बनाया है। हाँ। इस साइड पे सारे किचन के डिजाइन है, ओपन प्लान जो किचन होती है आजकल, एक ये बना हुआ है यहाँ पर, ये ब्लैक कलर के अंदर सारी मॉडर्न जो किचन है मॉड्यूलर पूरी, और यहाँ से आप पूरा टच स्क्रीन करके इसको असेंबल कर सकते हो, अपने आप मतलब डिजाइन कर सकते हो अपने रूम के हिसाब से, अपने किचन के हिसाब से। भाई आईकिया हो ना तो पूरा ऐसे घूमने का मन करता है, हम सोच रहे थे जल्दी जल्दी करेंगे लेकिन अभी आके ऐसा पूरा मन कर रहा है, ऐसे घूमे छोटी छोटी चीजें देखे और खरीदने का भी मन करता है। तो काफी चीजें हमने ले ली है अभी, और बाकी का काफी सारा रहता है अभी, तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। हर एक सेक्शन बने हुए हैं यहाँ पे है ना, बेडरूम किचन, ये पूरे ना सोफा बेड टाइप है, स्टोरेज वाले बेड है। ये देखो यहाँ लिखा है कंप्लीट लिविंग रूम अंडर 900 pounds, तो इसके अंदर सारा सामान जो है ना 900 pounds के अंदर अंडर आप ये पूरा जो है लिविंग रूम ऐसा सेटअप कर सकते हो, एक्सेप्ट टीवी। टीवी इन्होंने सिर्फ ऐसी लगा रखा है, तो ये शेल्फ हो गई और जो भी ये फर्नीचर सामान है, ये हो गया या सोफा हो गया, रग हो गया, चेयर टेबल, ये सब चीजें जो है ये पूरा 900 pounds के अंदर आ जाएगा। काफी सही है, लाइट्स वाइट्स भी लगी हुई है, अच्छी लग रही है। छोटी सी स्पेस है बट कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है, वर्क डेस्क भी है और ये भी है। तो भाई फाइनली शॉपिंग हमारी पूरी हो चुकी है और बिल कितना आया आज? 94 pounds का बिल आया। देखने में ऐसे लग रहा है हमने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, इतना बिल कैसे आ गया। बट आज का दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था, मेरा पासपोर्ट का काम भी हो गया। होपफुली गौरव ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। और आपका फोन भी ठीक हो गया? और मेरा फोन भी ठीक हो गया। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा दिन था एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपको आईकिया घूम के मज़ा आया कि नहीं आया। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।